जय हिंद मेरे मसीह भाई बहनों, मैं महेंद्र कुमार। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये घटना 170 साल पुराना ब्रिटिश इरा टाइम का ये प्रभु यीशु मसीह का एक स्टैचू था, लेकिन इस बेजान स्टैचू से भी मसीह विरोधियों को इतना नफरत है कि उन्होंने इसको तोड़ कर गिरा दिया और ये ऐतिहासिक मूर्ति को खत्म कर दिया। कितना जलन लोगों के अंदर, कौन भरता है, कौन है वो देश का दुश्मन, कौन है वो राष्ट्रद्रोही, कौन वो संगठन है या कौन से वो लोग हैं, कौन वो गद्दार लोग हैं जो मसीहियों से इतना नफरत करते हैं, जो इनको लड़ाना चाहते हैं, ऐसे नुकसान करके चाहते हैं कि दंगा हो, देश में आपस में लोग लड़े मरे ताकि देश पीछे जाए। कौन है ये देश का दुश्मन जो देश को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसका पूरा रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दूं कि इस घटना का अंजाम देने वाले उन गद्दारों को, देश के गद्दारों को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको दिखाना चाहूंगा उनका डिटेल। तो ये सामने जो आप चेहरा देख रहे हैं जिनको पुलिस पकड़ रखी है, यही वो दो गद्दार हैं जिन्होंने मसीह समाज के और इस देश के धरोहर को खत्म करने का कोशिश किया। अंबाला पुलिस काबिल तारीफ के काबिल है कि महज 48 घंटे में इन दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। इसमें आप देख सकते हैं ये मास्क लगा के जो दोनों खड़े हैं, यही वो लोग हैं, यही वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान करने का काम किया है, ये घिनौना अंजाम दिया है जिन्होंने इनको इस तरीके की नसीहत दी है। कौन है वो गद्दार जो इनको ऐसी जहर की भाषा सिखाता है, नफरत की भाषा सिखाता है, कौन सा वो संगठन है, कौन वो देशद्रोही संगठन है या कौन इनके लीडर हैं, मेंटर हैं जो इनको इस तरीके से देश में भाईचारा को खत्म करने के लिए और एक दूसरे को लड़ाने के लिए काम करने के लिए उकसाते हैं ताकि इस तरीके की ये घटना का अंजाम दे। ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसका तस्वीर, फिर आप देख लीजिए जूम किया है, ये उनका चेहरा पहचानिए, ये रहे ये शख्स जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, ये देखिए देखिए ये है वो लोग। तो ये वो लेटर है जिस पर जो शिकायत की गई थी, इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको पता लगे। वहाँ के लोकल थाने में इस लेटर को दे करके वहाँ के चर्च के फादर ने शिकायत करी। शिकायत करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इसमें लिखा हुआ डिटेल में टू द SHO अंबाला सदर, और यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं क्या लिखा है, सब्जेक्ट डिस्क्रेशन एंड वैंडलाइजेशन ऑफ द जीसस स्टैचू सेक्रेड हार्ट स्टैचू ड्यूरिंग क्रिसमस नाइट एट होली रिडीमर कैथोलिक चर्च अंबाला कंटोनमेंट। ये पूरा डिटेल है, इसमें डिटेल में लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए स्टैंप और यहाँ पर फादर पत्रस मुंडू का नाम भी लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में उनका नंबर भी है, ईमेल भी है, एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ने इनको अरेस्ट करते हैं, और पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो इन्होंने जवाब क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया अंबाला पुलिस प्रेस नोट, यहाँ पर डिटेल में जो दिया है कि अंबाला छावनी क्षेत्र में होली रिडीमर चर्च में पूज्य ईसा मसीह की प्रतिमा को खंडित करने वाले दो आरोपियों को मात्र 48 घंटे में गिरफ्तार किया गया, पुलिस अधीक्षक अंबाला, और इनका जो नाम बताया जा रहा है इसमें दिया हुआ है, अंबाला पुलिस दल ने मात्र 48 घंटे में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों संदीप कुमार सिंह, वैसे सिंह नहीं दिया है लेकिन इनका नाम है संदीप कुमार सिंह, रविंदर सिंह और ये निवासी हैं वशिष्ठ नगर थाना महेश नगर अंबाला छावनी के, गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्ति हुई है। उसके बाद इनको रिमांड पर भेज दिया गया, रिमांड पर भेजने पुलिस की जानकारी के अनुसार शिकायत से प्राप्त होने के बाद इसमें जो दिया हुआ है कि दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये जो थाना अंबाला छावनी में दर्ज है मुकदमा, और इसमें जो दिया हुआ है धारा 295, 427, 452 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और इसमें ये बहाना बना रहे हैं कि हम नशे में थे तो केवल चर्च ही दिखा, मंदिर नहीं दिखा, भगवान की मूर्तियां नहीं दिखी, खाली यीशु मसीह की मूर्तियां दिखी, तो ये नशा का एक बहाना बना करके बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ये लोगों ने जानबूझ के किया है। देखिए यहाँ पर जो दिया है इसके बारे में बता रहे हैं कि चर्च में लगी यीशु मसीह की प्रतिमा खंडित करने के मामले में आरोपी कहा नशे में दिया वारदात को अंजाम, अभी इनको नशे में वारदात को अंजाम दिया, अगर नशे ही किए थे तो केवल यीशु मसीह का ही क्यों दिखा तुम्हें, कहीं तुम्हें मंदिर नहीं दिख रहे थे या कोई अन्य धार्मिक स्थल नहीं दिख रहा था, सीधी सी बात है कि ये लोग बजरंग दल या BHP या फिर संघ ही होंगे, क्योंकि इनके दिमनी के दिमागों में इस प्रकार के क्रिश्चियनों के प्रति जहर होता है, नफरत होता है। तो ये पूरा मामला यहाँ पर आया है, और भी आपको बताना दिखाना चाहूंगा
तो ये वो चर्च है और यहाँ पर वो ये अंबाला का फेमस जो चर्च है, देखिए होली रिडीमर चर्च, और इसमें यो प्रभु येसु का स्टेचू होता था। एक बेजान स्टेचू में जी जो मट्टी और पत्थरों का बना हुआ था, लेकिन 170 साल पुराना था, ऐतिहासिक धरोहर था, जिसको इस देशद्रोहियों ने गद्दारों ने गिरा दिया और इसमें वो स्टेचू रखा जाता था। एक बेजान स्टेचू से इनको इतना नफरत है, इतना जहर इनके दिमाग में उसके प्रति है, मसीह येसु के प्रति, प्रभु येसु के प्रति, कि इन्होंने उनकी बेजान एक मूर्ति को भी तोड़ दिया और उसको नहीं छोड़ा। और ये है श्री इनका नाम है, ये एसीपी हैं, एएसपी, ये एएसपी जसंदीप सिंह रंधावा हैं अंबाला के, और इनका टीम ने उन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुनिए इनके जुबानी से कि ये क्या कह रहे हैं। 10 दिसंबर की रात को एक अंबाला कैंट के एरिया में होली रीडीमर चर्च के अंदर कुछ व्यक्तियों द्वारा जीसस क्राइस्ट के स्टैचू को तोड़ा गया था और अन्य प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके ऊपर लोकल पुलिस द्वारा 654 नंबर FIR दर्ज करके उसकी तफ्तीश की गई। इस तफ्तीश के लिए हमने एक विशेष दल का गठन किया और आज उसी टीम को सफलता प्राप्त हुई। इसमें जो मेन दोषी थे, उन दोनों दोषियों को पुलिस द्वारा राउंड अप किया गया। इसमें पहला दोषी का नाम है रविंदर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, जो कि विशिष्ट नगर महेश नगर का रहने वाला है, और दूसरा दोषी है संदीप कुमार पुत्र पृथ्वीराज, ये भी विशिष्ट नगर पुलिस स्टेशन महेश नगर के एरिया का रहने वाला है। इनसे हम आज अभी प्रिलिमिनरी जो पूछताछ हुई है उसके बेसिस पे इन्होंने बताया है कि इनका उसी दिन 25 को शाम को इनका चर्च में जाने का प्रोग्राम बना, जहाँ पे ये गए और उसके बाद वहाँ से वापस आकर बस स्टैंड और टांगरी पुल के पास इन्होंने दारू का सेवन किया, और उसके बाद दोबारा ये 12:30-1 बजे के आसपास उस चर्च के अंदर दोबारा गए और वहाँ पे जाके इन्होंने तोड़फोड़ की। अभी विस्तार से इनसे पूछताछ हम रिमांड लेके करेंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको अपडेट करेंगे। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें वो दो गद्दार एंट्री करते दिख रहे हैं, जो चर्च के स्टेच्यू को गिरा के रात को भाग जाते हैं। देखिए मैं प्ले करूंगा आपके लिए ताकि आप ये फुटेज देख सकें। तेरी गाल तो नहीं तेरी बाहर तो तुमने बाहर तो नहीं बाहर अपने खुद बाहर पैसे से किसी को बाहर किसी को मैं खुद देते हैं मैं तुमको बड़ा बड़ा सोच के दूंगा मेरे को ऐसे इंस्ट्रक्शन को दिखा रहे हैं मैं दो तीन पंसे अटेंड कर लिया क्या लगा ये मेरे लिए ठीक है ना हाँ बाहर। तो ये वो फुटेज है जिसमें ये दो लोग जाते हैं, इसी के बिहाफ पर पुलिस ने इन दोनों देश में दंगा फैलाने वाले दंगाइयों को अरेस्ट किया है। ये स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये SHO हैं सदर अंबाला के, और सुनिए ये क्या कह रहे हैं। टीवी फुटेज के मुताबिक ये दो लड़के हैं जो कि 12:30-32 के आसपास चर्च कंपाउंड में दाखिल हुए हैं गेट बंद करके, और उसके बाद 1:40 के नियर अबाउट उन्होंने यीशु मसीह महाराज जी की मूर्ति को खंडित किया है। अभी तक अननाउन है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है, कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, हमने अपनी पुलिस टीम में लगा दी है और अभी कंप्लेंट दी जा रही है चर्च प्रशासन द्वारा। हमें जो भी कंप्लेंट देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके हम शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। तो आपने सुना ये क्या बोल रहे हैं कि कैसे कार्रवाई करी गई और किस तरीके से कैसे किया गया, सारी बातें ये बता रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये हैं ASP पूजा डाबला अंबाला से, और इन्होंने किस तरीके से रणनीति करके उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हुई है
ये बताती हैं उसमें। ये चर्च की मूर्ति तोड़ी गई है यीशु मसीह की, क्या कुछ इसमें अभी तक सामने आया है, कुछ पता लगता है? सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इस तरह की किसी ने हरकत करी है आगे, तो तुरंत जो है हमारे डीएसपी साहब, मैं, हमारे SHO जो टेंट है, हमारी CID टीम भी आ रही है सारी, तो आके हमने CCTV वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं, तो उसमें जो भी युवक नजर आ रहे हैं शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करके जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। तो CCTV फुटेज हमने देख लिए, इसकी अच्छे तरीके से जांच करके इनको आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शन भी चल रहा था, कितने बजे का CCTV में दिखाया जाएगा? ये लेट नाइट का है, जैसे 12:30 के बाद का है, जब तक लोग जैसे जा चुके होंगे यहाँ से, तो देर का है। कितने लोग नजर आ रहे हैं उसमें? अभी तो 2 लोग नजर आ रहे हैं, तो जैसे भी है और देखते हैं, बाहर के भी हम जांच करेंगे कैमराज की जो रोड की तरफ है। तो बहुत ही सराहनीय अम्बाला पुलिस का कार्य है कि जिसने महज 48 घंटे में इस घटना का अंजाम देने वाले उन देश द्रोहियों को, उन गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया, जो लोग क्रिश्चियनिटी को परेशान कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से दंगा क्रिश्चियनिटी को लेकर के, मसीहत को लेकर के बढ़ते जा रहा है, सरकार को इस पर कुछ अलग ही ध्यान देना चाहिए। और जो लोग इस तरीके के देश में नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, सेंटिमेंट को हर्ट करके आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन संगठनों को चिन्हित करना चाहिए, उन पॉलिटिकल पार्टियों को चिन्हित करना चाहिए, उन लीडरों को चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और अल्पसंख्यक और गरीब और कमजोर तबके वर्ग के लोगों को सुरक्षा देने का एक अलग से कानून व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इस तरीके की अराजकता और हिंसा के मकसद से कोई भी अंजाम, घटना का अंजाम ना दे सके। तो इन लोगों को, जो ये लोग हैं, ये जो दो संदीप और पवन सिंह, जो ये लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के घटना का, घिनौने घटने का अंजाम दिया है, 170 साल पुराने धरोहर, हमारे देश के ऐतिहासिक क्षति किया है, वस्तु का क्षति किया है, वो भले ही एक बेजान मूर्ति है प्रभु यीशु का, लेकिन वो हमारे देश का ऐतिहासिक धरोहर है जो 170 साल पुराना था। लेकिन इन गद्दारों को, इन देशद्रोहियों को इतना भी समझ नहीं था कि हम इसकी क्षति क्यों कर रहे हैं। अब इनके आका वो लोग जो इनके तरह पता नहीं कितने लोगों को जहर भर चुके हैं दिमाग में, जो संघी और बजरंग दल और BHP RSS जो लोग हैं, वहां जा करके घिनौनी मसीह के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, जहां वहां जहर भरा जाता है उसको, ये लोगों, उसी में से ये लोग हैं। ये सिलसिला इनको पकड़ने से नहीं थमेगा जब तक इनके जो बड़े संगठन है, जो लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, जिन्हें इनके दिमाग में नफरत डालते हैं, उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर शेयर कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर एक न्यूज का अपडेट्स आपको मिलता रहे। मिलता हूँ एक और नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए न्यूज एक्सपो।